बैंगन तो छोकरा दे कैमरे से हाँ हाँ बर्शन से कर दिया कुछ मैं क्या हूँ दे दो बच्चों को देने को आए दे दो एक काम कर सकती है बेटा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के तहत शहर में अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज शहर में शशि वेलफेयर सोसाइटी द्वारा भिक्षावृत्ति जो बच्चे कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनसे करवाई जा रही है या उनको किसी का प्रेशर दे करके उनसे इस तरीके का भिक्षावृत्ति का कार्य करवा रहे हैं लोग, कोई इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है, इसका पर्दाफाश करने के लिए मिशन शक्ति के तहत शशि वेलफेयर सोसाइटी के कुछ लोग आज बरेली शहर में निकले हुए हैं। जगह जगह जा कर के बच्चों को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उनको सरकार की इस मुहिम के बारे में बताना और उनको इस भिक्षावृत्ति को ख़त्म करने की और भिक्षावृत्ति ना करने की प्रेरणा देना कि अभी आपकी उम्र भिक्षावृत्ति की नहीं है, आप देश का भविष्य हैं, आपको भिक्षा नहीं मांगनी है, आपको पढ़ना है, अपना भविष्य को उज्जवल बनाना है। इस मुहिम के तहत आइए हम बात करते हैं शशि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष जी से। जी बताइए आज का। नमस्कार, मेरा नाम राशि पाराशरी है, मैं शशि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने जैसा कि दौर चल रहा है भिक्षावृत्ति उन्मूलन पे एक मुहिम छेड़ी है हमने और हमारी संस्था ने मिलकर कि हमें ये पता लगाना है जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ हमें ऐसे बच्चे मिल रहे हैं कि ये बच्चे इस रूप में जो निकल रहे हैं भिक्षुक के रूप में या भीख मांग रहे हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, ये खुद निकल रहे हैं या इनके परिवार वाले निकाल रहे हैं या इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय है। सबसे इन कारणों को हमें पता करना है और इसके साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बताना है कि सरकार ने भी इन लोगों के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। हमने इन लोगों को बहुत से नंबरों की भी जानकारी दी, जैसे 1098, जैसे किसी बच्चे के ऊपर कोई भी क्राइम होता है या कोई भी अपराध उसके प्रति होता है तो वो इस नंबर को फॉलो करके तुरंत ही सूचना पुलिस विभाग तक पहुँचा सकता है। इसके साथ ही साथ हम ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं क्योंकि हमने ये भी महसूस किया है कि इनमें बहुत से बच्चे नशा उन्मूलन पर भी सक्रिय हो रहे हैं, नशा उन्मूलन पर भी बढ़ रहे हैं और मेन बात यह है कि इनको सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं है, ये क्रिमिनल भी बन रहे हैं। तो आज हम और हमारी संस्था ने ये मुहिम छेड़ी है कि जगह जगह जाकर ऐसे बच्चों के बारे में जानकारी लेना और जहाँ तक हमारा ये प्रयास है और आगे भी रहेगा कि हम ऐसे बच्चों को सही दिशा निर्देश दें और उनको गोद लेने का प्रयास करेंगे और आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। मैडम जी, ये कार्यक्रम आज ही से शुरू किया है या पहले से भी करेंगे? नहीं, ये कार्यक्रम तो हमने आज से शुरू करा है। बाकी हम मिशन शक्ति के ऊपर महिलाओं के हितों को लेकर अभी तक कार्य कर रहे थे, आज से हम भिक्षावृत्ति के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने शुरुआत कहाँ से करी है इसकी? इसकी शुरुआत तो हम लोग बहुत टाइम हो गया, कम से कम हम मिशन शक्ति के ग्रुप से कम 5-6 महीने पहले से जुड़े हैं और जो हमारी नीता अहिरवार जी डीपीओ हैं उनके निर्देशन में हमने इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत महिलाओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी है और जहाँ भी समझिए जहाँ भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है हमारी संस्था सबसे पहले खड़ी होगी, ये बात हमने जगह जगह जाकर बताई भी है। स्लम एरिया में भी हम लोग गए हैं, हम लोग ने अपने पर्सनल नंबर भी शेयर किए हैं कि किसी भी महिला के ऊपर यदि कोई भी अत्याचार होता है या कोई भी छेड़खानी या कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले सरकारी नंबरों पर तो बाद में कॉल करें, सबसे पहले वो हमें करें, हम मिनट से पहले हम और हमारे संस्था के पदाधिकारी खड़े रहेंगे, उनके संग कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और हर तरीके से हेल्प करेंगे। नहीं, जैसा कि इस समय आप डीडी बरेली में डीडीपुरम एरिया में खड़ी हुई हैं तो जो भिक्षावृत्ति का कार्यक्रम है आपने आज सुबह कौन से एरिया से शुरुआत करी? ये हमने डीडीपुरम एरिया से ही शुरुआत करी है इसकी,
पहले हम लोग डीडीपुरम गए हैं, फिर ये राजनगर का एरिया लिया है, राम जानकी की तरफ भी गए हैं। मुझे ये पता लगा था कि डोमिनोज के बाहर है, ये दीपक स्वीट्स के बाहर है, बहुत से बच्चे भीख मांगते पाए जाते हैं, जगह जगह लोगों को रोकते भी हैं। तो ये हमने कहा आज पहले ये कार्य यहीं से शुरुआत करें कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे कोई गैंग सक्रिय है या खुद ही इस तरीके से कर रहे हैं या इनके माता पिता करवा रहे हैं या कोई बहुत बड़ी मजबूरी है। तो ऐसे में हमने ऐसे बच्चों को भी चिन्हित किया जो बहुत बड़ी मजबूरी से गुजर रहे हैं। एक हमारे सामने बेटा इधर आओ, एक हमारे सामने ये बच्चा है, क्या नाम है आपका? रमेश है, ये सेथल का बच्चा है। ये बच्चा बहुत भयंकर मजबूरी से गुजर रहा है और हम अपनी सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जो भी संभव है ऐसे बच्चों के लिए सहयोग करें, क्योंकि ये बच्चा सेथल से आता है, इसके फादर नहीं है। ये बेचारा सेथल से आता है शनिवार के शनिवार और मंगलवार को, और ये भीख मांगता है जगह जगह, शनिवार शनि का दान मांगता है और फिर वापस अपने टेम्पू से जाता है। अपने परिवार का पालन पोषण यही छोटा सा बच्चा कर रहा है, बाकी इसके जो भाई बहन हैं वो इससे छोटे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी मदद प्रोवाइड कराएं ताकि ये बच्चे आज इस रूप में ना रहते, कुछ अलग रूप में रहें। मैम, किस प्रकार की आप लोग मदद प्रोवाइड कराते हैं ऐसे बच्चों को? हम ऐसे बच्चों को शिक्षा से रिलेटेड भी जानकारियां देते हैं कि हमारी सरकार किस तरीके से निःशुल्क शिक्षा भी दे रही, अभियान भी चल रहा है, उसकी जानकारी भी देते हैं। और मेन चीज़ है, शिक्षा भी बच्चा तब लेगा जब उसका पेट पलेगा। सबसे मेन मुहिम तो हमारी ये है कि इन लोगों का जो घर का स्थिति है उनका पुनर्निवास हो, उनको सही सहायता मिले, जो सरकारी योजनाएं उनकी जानकारी हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग मदद ले सकें और भूखे ना सोए, कोई परिवार भूखा ना सोए। तो बेटा आप कहाँ से आते हो? सेथल से। तो रोज आते हो? रोज नहीं, सिर्फ शनिवार को आते हैं। और घर पे कौन कौन है? मम्मी और थोड़ा जोर से बोलो। जोर से बोलो बेटा, घबराओ नहीं, घर में मम्मी रहती है और बहनें रहती हैं घर में। अच्छा, पापा नहीं है आपके? पापा नहीं, पापा गुजर गए। अच्छा, तो आप केवल यही काम करते हो या पढ़ाई भी कर रहे हो? पढ़ाई भी करते हैं। कौन से क्लास में हो? छठे में। छठे में कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? सरकारी स्कूल में। तो शनिवार को यहाँ भीख मांगने के लिए आते हो आप? शनिदान, ठीक है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो नारी मिशन नारी शक्ति के तहत जो आयोजन हो रहा है और उसके विषय में जानकारी ली, मैं बरेली से जिला संवाददाता अपने सहयोगी सचिन पाठक के साथ।